आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस अंदाज में लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे, वो न केवल सोशल मीडिया पर वायरल है बल्कि चर्चा का विषय बन गया है। अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव बार बार अटक रहे थे। साथ ही जब कार्यक्रम का समापन हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मंच पर मौजूद बाकी नेता प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के लिए उनके साथ आ रहे थे, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव को कुछ ऐसा कह दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल पीएम मोदी जब अपना भाषण खत्म करने के बाद सभी नेताओं से विदा ले रहे थे, उस वक्त पीएम ने तेजस्वी यादव से थोड़ा वजन कम करने की बात कह डाली। पीएम मोदी ने जब तेजस्वी यादव को वजन कम करने की सलाह दी तो ये सुनते ही वो मुस्कुराने लगे और उनके साथ ही चलते रहे। पीएम मोदी ने इसी दौरान तेजस्वी यादव से उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत के बारे में भी जानकारी ली। पीएम मोदी जो खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं और देश को भी फिट रहने की सलाह देते हैं, उनका वजन कम करने को लेकर तेजस्वी को सलाह देना हैरान नहीं करता। इससे पहले जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में अपना संबोधन कर रहे थे तो उनके अंदर विश्वास की कमी भी साफ नजर आ रही थी। पहले तो वो एक लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे और कई बार अपने भाषण के दौरान वो कई मौकों पर अटकते हुए नजर आए। अपने छोटे से भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग भी पीएम मोदी से की। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक। कौन सी साजिश, कौन सा गुनाह, कब हुआ और कहां? पेश है अपराध का जहां।